में नान घोटाले मामले की जांच में गड़बड़ी और फोन टैपिंग मामले में आरोपी बनाए गए निलंबित आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता से ईओडब्ल्यू ने करीब 5.5 घंटे तक लगातार पूछताछ की। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान मुकेश गुप्ता तमाम सवालों पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। वहीं ईओडब्ल्यू ने कहा है कि जल्द ही गुप्ता को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। ईओडब्ल्यू के आधिकारिक सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान मुकेश गुप्ता ने किसी भी सवाल का जवाब ठीक ढंग से नहीं दिया। गुप्ता से रेखा नायर की भूमिका को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर जवाब में कहा गया है कि वह उनकी सिर्फ पीए थी, फोन टैपिंग मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। फोन टैपिंग से जुड़ा काम राकेश जाट ही देखता था। ईओडब्ल्यू का दावा है कि कुछ बड़े नाम इस घोटाले में सामने आए थे जिन्हें बचाने के लिए इसे डिलीट किया गया। आदित्य नाम दे, वो लगातार इसकी ब्रीफिंग कर रहे थे। उनके द्वारा ये ब्रीफ किया गया कि रजनेश सिंह को फंसाया जा रहा है और रेखा नायर को बचाया जा रहा है, जबकि अंदर इस तरह की कोई बातें नहीं हुई। राजधानी रायपुर में बीजेपी सरकार की